मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने को तैयार प्रियंका। प्रियंका का यूपी से चुनाव लड़ना तय, दूसरी सीटों पर भी तलाश। दो सीटों पर चुनाव लड़ सकती है प्रियंका गांधी। कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने कहा था कि प्रियंका गांधी अगर वाराणसी चुनाव लड़ती हैं तो हम अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। इसके बाद प्रियंका गांधी के समर्थन में इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं के बयान आने लगे थे। सभी का कहना था कि अगर प्रियंका वाराणसी चुनाव लड़ेंगी तो सिर्फ पीएम मोदी को टक्कर ही नहीं देंगी बल्कि चुनाव जीत भी सकती हैं। इसके बाद से ही कांग्रेस के अंदर मंथन चल रहा है कि क्या प्रियंका गांधी को पीएम मोदी खिलाफ चुनाव मैदान में उतार दिया जाए। गांधी परिवार हर संभावना पर विचार कर रहा है, लेकिन ये जरूर साफ हो चुका है कि प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी और यूपी से ही लड़ेंगी। प्रियंका गांधी के लिए सीट की तलाश तेज हो गई है। दरअसल प्रियंका गांधी जिस तरह से पिछले करीब एक साल से पूरे देश में कांग्रेस के प्रचार प्रसार में लगी हुई है, उसके बाद से ही साफ हो गया था कि वो लोकसभा चुनाव जरूर लड़ेंगी। और प्रियंका की इच्छा को उनके पति रॉबर्ट वाड्रा सार्वजनिक भी कर चुके हैं और अब ये तय माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी चुनाव लड़ रही है। गांधी परिवार में इस बार सोनिया, राहुल और प्रियंका तीनों ही चुनाव लड़ेंगे, ये भी साफ हो गया है। राहुल गांधी अपनी पुरानी सीट अमेठी से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं तो सोनिया गांधी के लिए रायबरेली में तैयारियां शुरू हो गई हैं। राहुल गांधी का सामना एक बार फिर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से होगा, क्योंकि जिस तरह से स्मृति ईरानी अमेठी में सक्रिय है और राहुल गांधी को लेकर बेहद आक्रामक रहती है, उसके बाद ये तय माना जा रहा है कि वो अमेठी से बीजेपी के उम्मीदवार होंगी। ऐसे में अमेठी पर एक बार फिर कांटे की टक्कर का अनुमान लगाया जा रहा है। दूसरी ओर रायबरेली पर सोनिया गांधी के सामने एक बीजेपी का कोई चेहरा अभी क्लियर नहीं हुआ है। पार्टी यहां किसी सेलिब्रिटी पर दांव लगा सकती है, जबकि प्रियंका गांधी के लिए सीट की तलाश चल रही है। सबसे ऊपर नाम तो वाराणसी सीट का भी आ रहा है। यहां से पीएम मोदी सांसद और प्रियंका गांधी अगर चुनाव मैदान में आती हैं तो इस सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प हो जाएगा। पहली बार ऐसा होगा जब गांधी परिवार का कोई सदस्य सीधे पीएम को उनकी सीट पर चुनौती देगा। कांग्रेस के अंदर चर्चा चल रही है कि प्रियंका अगर सीधे पीएम मोदी को चुनौती देती हैं तो इसका फायदा पूरे यूपी में कांग्रेस को हो सकता है। दरअसल प्रियंका गांधी के वाराणसी चुनाव लड़ने की सुगबुगाहट कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के बयान से शुरू हो गई है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के अंदर हलचल मची है उससे साफ है कि अजय राय का ये बयान शायद पार्टी हाईकमान के इशारे पर ही दिया गया हो, क्योंकि अजय राय को भी इस बात का एहसास है कि गांधी परिवार की टिकट तय करने का अधिकार उनके पास नहीं है। राय ने प्रियंका के वाराणसी चुनाव लड़ने की संभावना जताई थी। अगर गांधी परिवार पहले ही चुनाव में प्रियंका गांधी को इतनी कड़ी चुनौती वाली सीट पर चुनाव लड़ाने से इनकार कर देता तो दूसरी सीटों का विकल्प भी तैयार किया जा रहा है, जिसमें एक प्रयागराज की सीट है तो दूसरी फूलपुर की। इन दोनों ही सीटों पर गांधी नेहरू परिवार का करीबी नाता रहा है। फूलपुर से तो जवाहरलाल नेहरू ही चुनाव लड़ते थे। ऐसे में अगर प्रियंका गांधी किसी भी सीट से चुनाव लड़ती है तो वहां पर सपा भी कांग्रेस का समर्थन करेगी। सपा पहले ही साफ कर चुकी है कि वो गांधी परिवार से के किसी भी सदस्य के खिलाफ चुनाव में अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी। ये भी साफ है कि प्रियंका गांधी जिस सीट से चुनाव लड़ेंगी वहां वो मुख्य मुकाबले में रहेंगी। सामने कितने भी उम्मीदवार हों सभी की टक्कर प्रियंका गांधी से ही होगी। वैसे प्रियंका गांधी के लिए एक सीट दक्षिण भारत की भी तलाशी जा रही है। दावा किया जा रहा है कि प्रियंका गांधी कर्नाटक से भी चुनाव लड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज़।